गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हम हमारा चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, जिसमें हमने व्हाट इज़ डेमोक्रेसी में कि डेमोक्रेसी क्या होता है और उसके फीचर्स को डिस्कस किया था, और व्हाई डेमोक्रेसी में मतलब कि हमने देखा था कि सब अपने अपने व्यूज़ रखते हैं स्कूल में, और फिर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के और क्या मतलब कि ब्रॉडर सेंस में डेमोक्रेसी क्या है। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसीडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। इस चैप्टर में हमने क्या डेमोक्रेसी का मीनिंग बहुत ही लिमिटेड और डिस्क्रिप्टिव सेंस में रीड आउट किया है। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट ए डेमोक्रेसी मस्ट हैव। कि जो ये वे था डेमोक्रेसी को डिफाइन करने का, ये हमें क्या है एक मतलब कि इसके बहुत कम फीचर्स बताती है कि डेमोक्रेसी क्या है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन अवर टाइम्स इज दैट ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कि जो डेमोक्रेसी की मोस्ट कॉमन फॉर्म जो हमें आज अपनी लाइफ में देखने को मिलती है, उसको क्या बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्योंकि आज मतलब कि जो रूल करने वाले थे, अब जो रूलर्स को चूज़ करते हैं वो तो लोग चूज़ करते हैं, बट जो वर्किंग है या डिसीजन मेकिंग है वो एक रिप्रेजेंटेटिव लेता है जिसको क्या है लोग इलेक्ट करते हैं, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा गया है। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस। इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल। कि वो कंट्रीज जिनको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं वहाँ पे सभी लोग क्या हैं रूल नहीं करते। अ मजॉरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। कि एक मेजॉरिटी को ही क्या है अलाउ किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पीपल। द इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और वो मेजोरिटी वो क्या है वो भी खुद रूल नहीं करती, बल्कि वो क्या है वो किसके थ्रू रूल करती है, जो भी क्या है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उनके थ्रू। दिस बिकम्स नेसेसरी बिकॉज मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक ए कलेक्टिव डिसीजन। कि ऐसा क्यों किया जाता है, इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू डिसीजन मेकिंग क्यों की जाती है, लोगों के थ्रू क्यों नहीं की जाती, क्योंकि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं उसमें क्या है लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं, और ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग क्या है एक साथ बैठे और डिसीजन मेकिंग करें। Even if they could, the citizen does not have the time, the desire or the skills to take part in all the decision. कि अगर ऐसा possible भी हो तो लोगों में वो desire नहीं है, वो skill नहीं है, active participation नहीं है decision making में लोगों की। This gives us a clear but minimum understanding of democracy. This clarity helps us to distinguish democracies from non-democracies. कि ये हमें किससे डेमोक्रेसी का नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं उनसे डिफरेंस बताती हैं। बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी। बट ये हमें क्या है एक डेमोक्रेसी क्या है और एक अच्छी डेमोक्रेसी क्या है इसमें डिफरेंस नहीं बताती। इट डज़ नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। कि हमें अलाउ भी नहीं करती क्या है डेमोक्रेसी का मीनिंग हम क्या गवर्नमेंट के बाहर कुछ अंडरस्टूड करें। फॉर दस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए क्या है हमें डेमोक्रेसी को ब्रॉडर मीनिंग में ब्रॉडर सेंस में समझने की ज़रूरत है। समटाइम्स वी यूज़ डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट। कई बार हम डेमोक्रेसी वर्ड का जो यूज़ है वो कई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी कर लेते हैं गवर्नमेंट के बजाय। क्यों, जैसे कि वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, वेन एवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट ए कंसेंसस, माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। कि इसमें मतलब कि कई बार हम अपनी फैमिली को लेके भी बोल देते हैं कि जो हमारी फैमिली है वो डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र मतलब कि फैमिली है, इसमें हम सब लोग जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो सब मिलके लेते हैं, वो चाहे मेरा ओपिनियन हो चाहे मेरे फादर का हो चाहे मेरी मदर का हो, सब सेम वैल्यू रखते हैं। आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। I would like to have teachers with democratic temperament. कि वो क्या बोल रहा है कि ऐसे टीचर्स
हम कई बार बात करते हैं ना कि ऐसे टीचर्स हमें पसंद नहीं, जो क्या स्टूडेंट्स को अलाउ ही नहीं करते कि वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है या अपनी ओपिनियन क्या है सामने रख सकें, बल्कि एक ऐसा डेमोक्रेटिक टीचर होना चाहिए जो क्या है फ्रीडम दे बोलने के लिए। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ अ डेमोक्रेसी। इसमें एक लीडर और उनकी फैमिली क्या है हर सब कुछ डिसाइड करते हैं, तो वो डेमोक्रेसी के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। These ways of using the word democracy go back to its basic sense of a method of taking decisions. A democratic decision, क्या होता है democratic decision? देखो, a democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by that decision. Democratic decision वो होता है कि उन सभी से consult करना और उन सभी की consent, सहमति लेना, जो भी लोग क्या हैं इस डिसीज़न से अफेक्ट होने वाले हैं, जिस पे भी जिन पे भी क्या है इस डिसीज़न का कोई प्रभाव पड़ने वाला है। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टॉकिंग इन टेकिंग द डिसीज़न एज दोज हु आर पावरफुल, कि जो पावरफुल में नहीं है उनका मतलब कि उनका भी सेम विचार होना चाहिए उनसे जो क्या है पावर में है। This can apply to a government or a family or any other organization. Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of a life. कि डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हम अपनी लाइफ में भी कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become. कई बार हम democracy का word क्या है government को describe करने के लिए नहीं करते, बल्कि क्या है अपने जो standards, ideal standards हैं उनको show करने के लिए करते हैं। देखो true democracy, कई बार हम कहते हैं ना कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री वही है जहाँ पे क्या है कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी पुअर ना हो, सभी को एजुकेशन मिले, ठीक है, फ्रीडम टू लिव, सभी को इक्वालिटी का राइट मिले। ये वर्ड हम बोलते हैं डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। For this you don't need just an equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources and a lot of commitment. कि कई बार हम क्या हैं डेमोक्रेसी का वर्ड गवर्नमेंट को शो करने के लिए नहीं करते, बल्कि क्या है एक आइडियल स्टैंडर्ड के रूप में, एक आइडियल वर्ड के रूप में भी यूज़ करते हैं। कि अगर कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है, इस मीन्स मतलब कि कोई भी कंट्री डेवलप्ड है, ठीक है, या डेमोक्रेटिक कंट्री को डेवलप्ड है, इट मीन्स वो बहुत अच्छी है। इफ़ यू टेक दीज आइडल सीरियसली देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ ए डेमोक्रेसी। कि अगर हम इन आइडल्स को ही सही से फॉलो करें तो किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सभी लोग क्या है अपने अपने राइट्स को इंजॉय कर पाएंगे, सभी को एजुकेशन मिलेगी, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी गरीब नहीं रहेगा हमारी कंट्री में। Yet an understanding of democracy as an idol reminds us of why we value democracy. कि ये जो yet an understanding of democracy as an idol, कि democracy को हम idol बोल रहे हैं, ये हमें क्या बताता है कि ये हमें democracy की value बताता है। कि democratic होना means क्या है, means free of poverty, free of hungerness, equal rights of education, equality to vote, ये सब मिलना। It enables us to judge an existing democracy and identify its weakness. It helps us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy. ये हमें क्या है democracy और good democracy में difference बताता है। In this book, we do not deal much with this expanded notion of democracy. Our focus here is with some core institutional features of democracy as a form of government. Next year you will read more about a democratic society and ways of evaluating our democracy. At this stage we just need to note that democracy can apply to many spheres of a life. कि इसमें हमने इसके एक्सपेंडेड फॉर्म को रीड नहीं किया, बट नेक्स्ट ईयर क्या है हम इसको और एक्सपेंडेड फॉर्म में रीड करेंगे। यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है लाइफ के हर स्फीयर यानी कि हर क्षेत्र में इसको अप्लाई किया जा सकता है। देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजन इन ए डेमोक्रेटिक मैनर।
एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन एन इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड, कि बहुत तरीके हैं जो डिसीजन मेकिंग में जिनको इन्वॉल्व किया जा सकता है. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड इज रूल थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि आज के टाइम में जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो क्या है, रूल थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि जो लोगों द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके थ्रू कंट्री को रूल करना. वी शैल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर थर्ड, बट इफ़ द कम्युनिटी इज स्मॉल देयर कैन बी अदर वेज, बट अगर क्या है कम्युनिटी स्मॉल है तो और भी तरीके हो सकते हैं कि वो क्या है सब क्या है इकट्ठे बैठ के डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन ए विलेज. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग. जैसे अब ग्राम सभा विलेज मतलब कि क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो वहाँ पे जो ग्राम सभा में जो भी मेंबर्स होते हैं या लोग हैं ग्राम सभा के, वो मिलके डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं एक मैटर को लेके. अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग करती हैं तो सब लोग क्या है उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं. This also means that no country is a perfect democracy. The features of democracy that we discussed in this chapter provide only the minimum condition of a democracy. That does not make it an ideal democracy. कि जो भी हमने features read किए वो क्या हैं, ये हमें condition बताती हैं democracy की. हम इसको ideal democracy नहीं बोल सकते. Ideal democracy कब बोलेंगे, वही जब हंगरनेस नहीं होगी, पॉवर्टी नहीं होगी, इक्वल राइट्स दिए जाएंगे लोगों को, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारी कंट्री है वो क्या है, एक आइडियल डेमोक्रेटिक कंट्री है. एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज द आइडल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग. दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल, कि ये जो भी डिसीजन होते हैं आइडल्स डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग के, ये एक बार में इनको अचीव नहीं किया जा सकता. This requires a constant efforts to save and strengthen democratic forms of decision making. इसमें क्या चाहिए हमें, constant मतलब कि continue efforts चाहिए, ताकि क्या है हम हमारी जो strength है उसको क्या है increase कर सकें. What we do as citizen can make a difference to making our country more or less democratic. कि जो भी हम use करते हैं, what we do as a citizens, कि as a citizen हम जो भी करते हैं कैन मेक ए डिफरेंस टू मेकिंग अवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक. वो क्या है, एक पार्ट शो कर सकते हैं कि हम हमारी कंट्री को मोर डेमोक्रेटिक बनाते हैं या लेस डेमोक्रेटिक बनाते हैं. अब इंडिविजुअल जो भी एफर्ट्स करता है वो शो करता है ना कि हमारी कंट्री के लिए हमारा क्या ग्रेटिट्यूड है. ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी. द फेट ऑफ फेट मतलब कि किस्मत कह सकते हैं या भाग्य हम कह सकते हैं. द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू, कि कंट्री का भाग्य सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि जो रूलर्स हैं वो क्या डिसीजन मेकिंग करते हैं, बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन्स डू, बल्कि किस पे डिपेंड करता है कि नागरिक, देश के नागरिक होने के नाते हम क्या करते हैं. ठीक है, कैसे काम परफॉर्म करते हैं. अगर हम अच्छे बनेंगे, अच्छे काम करेंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हायर करेंगे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, तो इससे हमारी क्या है जीडीपी इंक्रीज़ होगी. जीडीपी इंक्रीज़ होती है तो हमारा जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो भी बढ़ता है, या जो हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम है वो इंक्रीज़ होती है, लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होती है. अब लोगों की अगर इनकम इंक्रीज़ होगी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है वो इंक्रीज़ होता है. लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होने से क्या है, जो उनकी इनकम पावर है या परचेजिंग पावर है वो भी बढ़ती है. ठीक है, और हम जैसे कि करप्शन नहीं करेंगे, तो इससे भी क्या है अच्छे स्टैंडर्ड्स क्या है फिक्स कर सकते हैं आइडल डेमोक्रेसी के. तो यही है कि किसी भी कंट्री का जो भाग्य है वो किस पर डिपेंड करता है, कि वहाँ के जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं रहने वाले, वो कैसा काम करते हैं. दिस इज़ व्हाट वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स, की यही है कि जो एक डिफरेंस बताती है कि कैसे डेमोक्रेसी है वो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से डिफरेंट है. अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, कि जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, चाहे वो मोनार्की जैसे जो किंग सिस्टम होता था, डिक्टेटरशिप जैसे तानाशाही, कि एक पर्सन ही क्या है रूल करता था, वो किसी की सुनता नहीं है, अपनी डिसीजन मेकिंग करता है, या वन पार्टी रूल होती है, तो वो हो सकता है कि सिटीजन्स को क्या है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना करें. इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वुड लाइक सिटीजन्स नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, की बल्कि बहुत सी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी होती हैं जो ये नहीं चाहती कि सिटीजन्स हैं वो क्या है पॉलिटिक्स में पार्ट लें.
बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पोलिटिकल पार्टिसिपेशन बाई ऑल द सिटीजन्स. बट डेमोक्रेसी किस पर डिपेंड करती है? एक्टिव पोलिटिकल पार्टिसिपेशन बाई ऑल द सिटीजन्स पे डिपेंड करती है कि सभी जो लोग हैं यहाँ के वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हों. दैट इज़ वाई अ स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. और यही कारण है कि जब हम किस लिए कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेस्ट है या अच्छी है. ठीक है, ये था हमारा चैप्टर. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स.